नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवा मोड़ के समीप सड़क के जर्जर हालत होने से आए दिन लोगों को परेशानी को देखते हुए आज स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। आपको बताते चले कि ये सड़क कई महीनों से गड्ढे में तब्दील हो चुका था और जिला प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा था। वहीं आए दिन घटना दुर्घटना होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर आज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जाम के कारण चारों तरफ के लोग बुरी तरह फंसे नजर आए। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसी तरीके का जाम करते रहेंगे। वहीं नवादा थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद सड़क को खाली कराया गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि सड़क को एक दो दिन के अंदर बनाया जाएगा। वहीं जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि यदि नहीं बनाया जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसा कि थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है तो उन्हें पूरा उम्मीद है कि सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। काफी लंबे समय से जर्जर सड़क को लेकर आज जनता यहाँ का उग्र हुआ और सड़क जाम किया। क्या आश्वासन दिया नवादा थाना प्रभारी यहाँ पर आए और जाम को हटाया? नवादा थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय आए, एसडीओ साहब से भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज ही काम लगवा रहे हैं और आज ही काम लगा के इस मैंने रोड को जो है तुरंत जहाँ भी डैमेज है, टूटा हुआ है, गड्ढा है, उसको आज ही हम काम लग जाएगा और एक से दो दिनों में। कितनी परेशानी होती है ये सड़क खराब होने से, बार बार खराब होता है ये? परेशानी की तो बात आप हटा दीजिए, परेशानी तो यहाँ तक है कि पैदल चलना मुश्किल है, वृद्ध बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वृद्ध जो है गिर जा रहे हैं, उनको यदि वो रोगी है तो उनको पार कराना मुश्किल है। इस रास्ते से न रिक्शा जा सकता है, न ऑटो जा सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन उनको अस्पताल जाना है, तो कितनी परेशानी होती होगी ये बात आप समझ सकते हैं। प्रशासनिक आश्वासन को क्या लगता है आपको कि हो पाएगा या बस? अनुमंडलाधिकारी द्वारा ये बात कही गई है, तो वरीय अधिकारी है, अनुमंडल के मालिक, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, तो आम जनता उनके भरोसा करके जो है निजाम को हटाई है कि वो बोल रहे हैं कि एक से दो दिनों में पूरे रास्ते को जो है भर दिया जाए। यदि नहीं बनता है तब क्या करेंगे आप लोग? यदि नहीं बनता है तो ये जो जनता का आक्रोश है वो समझ सकते हैं कि उसके बाद भयावह होगी। लोकतांत्रिक तरीके से जितना विरोध हो सकता है प्रशासन। आज आप लोगों ने सड़क जाम किया है, काफी समय से ये जर्जर अवस्था में सड़क है, क्या लगता है कि आप लोगों को जो प्रशासनिक आश्वासन मिला ये बन पाएगा या बस? जो इंचार्ज थे वो कमिटमेंट किए कि आज अगर काम नहीं लगता है तो कल आप लोगों के साथ मैं आगे बैठूंगा, मैं जाम लगाऊंगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि सारा मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, DM, SP, DPO, DGM कि आज से काम लगेगा, तो अगर आज से नहीं लगता है तो कल बैठेंगे। आप लोग को क्या लग रहा है कि आज काम लग जाएगा? आज नहीं भी लगे, कल से भी लगे तो ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन काम लगे, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से देखिए दुनिया विश्वास पर चलती है, जवान पर चलती है, अब जिस तरीके का कमिटमेंट देकर जाम छोड़वाए, अब झूठ तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम लोग थोड़ा ना भाग रहे हैं, हम लोग तो वहीं पर हैं, कल से देखेंगे कि जाम फिर से अगर जाम लग नहीं बन रहा है तो फिर से बैठेंगे, लेकिन बनवा कर ही छोड़ेंगे। हम लोग का भी दृढ़ संकल्प है, हम लोग बिना बनवाए नहीं छोड़ेंगे रोड को, वो कमिटमेंट कर कोई भागे तो वो तो मैंने क्या बोला मुँह चोर हुआ, आपके भरोसे पर हम लोग हट गए, ना आप अगर हट लीजिएगा पीछे तो फिर तो हम लोग तो खड़ा होंगे ही,
क्या नाम आपका? मैं नाम कमलेश।